इसकी शॉर्ट्स वगैरह हैं, निकरे हैं, यहाँ पे अरबी लोग तो पहनते हैं, ये बच्चों के शूज़ हैं, यहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। यहाँ पे ये ट्राउज़र हैं और ऊपर शर्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज ये हम आए थे 20 रियाल शॉप पर। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग 20 रियाल की मिलेगी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी और जो प्राइसेस भी हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 या 23 तक है यहाँ पर। तो ये मेन एंट्रेंस आप आएँ शौकिया वाली काकिया वाली साइड सर आएँ तो ये साथ ही है शौकिया में। यहाँ पे आपको कपड़े जूते वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। चले जी अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या कुछ है और उनके प्राइसेस क्या क्या हैं। चलें जी अंदर चलते हैं। थोड़ी महंगाई हो गई है, नाम इसका इन्होंने 20 रखा हुआ है और प्राइस इन्होंने 23 कर दी हुई है। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, उसे क्या आपका नज़र आ रहा है, कपड़े कपड़े हर तरफ। सबसे पहले तो एंटर होते ही यहाँ पे बच्चों के खिलौने हर तरह के, मुख्तलिफ तरह के। इनकी प्राइसेस थोड़ी डिफरेंट है, 23 नहीं है, थोड़े से महंगे हैं ये। लड़कों के भी लड़कियों के भी हर तरह के खिलौने। ये बॉयज़ के हैं, उस साइड पे मोस्टली गर्ल्स के लगे हुए थे। उसके बाद आगे यहाँ से आगे आओ तो यहाँ पे बॉयज़ की शॉर्ट्स वगैरह हैं, निकरे हैं, सब कुछ 23 का है। यहाँ पे ऊपर बॉयज़ की शर्ट्स हैं और नीचे बॉयज़ की जीन्स लगी हुई हैं। ये शर्ट आप देख सकते हैं, डिफरेंट प्रिंट्स हैं, कॉटन नीचे जीन्स लगी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की। ये 6 पॉकेट पैंट है। काफ़ी अच्छे कलर्स लग गए हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब रीज़नेबल प्राइस में है 23 में। यहाँ पे भी कुछ शर्ट्स लगी हुई हैं। और नीचे उसी तरह जीन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर टी शर्ट्स और ट्रक पैंट्स ही लगी हुई हैं। यहाँ पे तोप लगी हुई है, यहाँ पे अरबी लोग तोप पहनते हैं, ये हाफ बाजू वाली तोप्स हैं। इस मॉल की ख़ास बात कि आपको यहाँ पे कपड़ों के साथ जूते भी मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से आप कपड़े लें वहीं से आप जूते भी ले सकते हैं। हर तरह का जूता आपको यहाँ पे मिलेगा 23 में सिर्फ। ये सैंडल्स देखें कितने अच्छे हैं, ये वाला देखें। यहाँ पे आपको ये बंद जूते भी मिलेंगे, जॉगर्स टाइप, कैनवस शूज टाइप, सब कुछ। यहाँ
यहाँ पे आपको बच्चों के कपड़े भी मिलेंगे, जैसे ये देखें बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी सेट जिस तरह होते हैं ये, वो बने पड़े हैं। कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, बेबी गर्ल्स के भी बेबी बॉयज के भी, 23 के सारे सेट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े हैं, इतने प्यारे प्यारे हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी सेट्स पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जब बच्चा बड़ा हो जाए, ये वाला कितना प्यारा है। रोम्पर्स हैं बच्चों के, ट्राउजर शर्ट्स हैं, ये गरम सूट हैं फ्लीस के। वहाँ पर बिल्कुल सर्दियों वाले कपड़े हैं, कम इतनी सर्दी तो नहीं आती, लेकिन बच्चों के लिए तो सर्दी सर्दी होती है, थोड़ी सी भी इवेंट को तो बचा के रखना होता है। यहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चों के, लड़कों के कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, मगर आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है तो इन लोगों की तो यही सर्दी है, तो ये लोग इन्हीं सर्दियों में ही गर्म कपड़े पहन लेते हैं, और हम लोग वैसे ही लॉन वगैरह के कपड़ों में ही होते हैं। लेकिन इस तरह के मौसम में इनके मॉल्स गर सर्दियों वाले कपड़ों से भर जाते हैं। बच्चों के ट्राउजर्स लगे हुए हैं, साथ टी शर्ट्स हैं, ये ज़रा गर्मियों वाला मटेरियल है। ये से छोटे बच्चों के हैं। अच्छा, मुझे ना पर्सनली वैसे बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स की चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्यूट क्यूट से होते हैं उनके कपड़े, उनकी एक्सेसरीज, इसलिए मुझे बॉयज़ के कपड़ों में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं आपको गर्ल्स के भी दिखाती हूँ। यहाँ से बच्चों के कपड़े हैं ये, लड़कों के कपड़ों से ज़्यादा प्यारे हैं ना। यहाँ पे लड़कियों के फ्लीस गाउन्स हैं, बच्चियों के, बेशक नाइट सूट के लिए उसको उनको पहना दे, यहाँ वैसे दिन में ऐसे जितनी सर्दी तो आती नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग, और ये साथ यहाँ पे अब आए हैं बच्चियों के, और ये छोटी छोटी बच्चियों के एक जूते हैं, इतने प्यारे प्यारे, ये देखो कितने प्यारे हैं, सैंडल्स हैं, शूज हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज 23, और 23 में कुछ भी नहीं कहता, 23 के हिसाब से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप मक्का आए और आपने किसी के लिए गिफ्ट लेने हो तो आप यहाँ ये शॉप विज़िट कर सकते हैं। और कैनवस शूज़ हैं, ये बच्चों के स्लीपर्स हैं, और ये सारे 12 रियाल के हैं। ये वाला जूता देखो कितना प्यारा, छोटा सा। ये लड़कों के, छोटे बच्चों के स्लीपर्स हैं बॉयज के,
थोड़ा करीब से दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके। यहाँ पे जॉगर्स लगे हुए हैं, ये बच्चियों के शूज़ हैं, यहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा है और क्वालिटी भी ठीक है इसकी, बहुत प्यारी है। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, सरसरी से दिखा रही हूँ। बाकी आप आएँ और उसको खुद विज़िट करें और अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली में किसी को अगर आपने गिफ्ट करना है तो आप इनके लिए ले सकते हैं। हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर लेडीज सेक्शन है, नीचे जेंट्स और बच्चों का था, यहाँ पे लेडी सेक्शन है, हम इसको भी अब कवर करते हैं। ये यहाँ पे स्टॉलर लगे हुए हैं, सारे रेशमी स्टफ है। ये दूसरा सूती है, भले भले रेशमी थे। ये लेडीज स्टफ इधर लगा हुआ है, यहाँ पे ये ट्राउजर हैं और साथ ऊपर शर्ट्स हैं, ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप शर्ट्स हैं, घर में पहनने को या रात को पहनने को, सब कुछ यहाँ पे गाउन टाइप ही है। ये वाला देखो, इसी टाइप के सारे कपड़े यहाँ पे हैं। ये वाला प्रिंट देखो, कितना प्यारा प्रिंट है ये वाला। ये शर्ट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे मुझे ना लेडीज़ के कपड़े अच्छे नहीं लगे कोई खास, लेकिन आप ये लोग यहाँ पे जूते देख लें, जूते अच्छे हैं, पर ये वाले जूते मेरी टाइप के नहीं हैं। ये सैंडल्स इस तरफ लगे हुए हैं, इस तरफ ये बंद जूते, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। और मुझे ये वाले भी नहीं पसंद। अच्छा, मेरी पसंद ना अजीब तरह की है, मतलब मेरी मम्मा कहती है जो तुम्हें पसंद है वो किसी को पसंद नहीं होता, तुम खुले पाँव वाले जूते लेती हो। यहाँ पे वो हुए तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे कैनवस शूज़ लगे हुए हैं, बंद जूते हैं, और यहाँ पे कैनवस स्टफ में पम्प्स लगे हुए हैं। यहाँ पे दूसरे पम्प्स हैं, ये वाले अच्छे हैं, हाँ कुछ कुछ मेरी टाइप के। यहाँ पे बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, सऊदी इतने मतलब कह लो अमीर हैं, आते हैं और ट्रॉलियाँ भर भर के लेके जाते हैं, और हम तो देख के हैरान होते हैं, बिला वजह को ट्रॉली में फेंके जाते हैं, चाहे महीने में 4 चक्कर वो मॉल के लगा लें, लेकिन उन्होंने ट्रॉलीज ऐसे ही भर के लेके जानी है। मैं तो समझ नहीं आती इतने कपड़े ये लोग पहनते कहाँ पे। और यहाँ पे स्लीपर्स लगे हुए हैं, ये सारे 12 रियाल के। फिर हैंडबैग्स भी हैं 23 में, मोस्टली कलर तो ये पिस्ता सा, पिंक सा, ब्लैक सा ही है। बैग्स 23 के हिसाब से क्वालिटी बहुत फिट है यार, इफ यू वांट एंड यू कैन। वैरायटी अच्छी है। हमारा आज का ब्लॉग होता है ख़त्म, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लेकिन उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
अल्लाह हाफिज़।